प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2022 तक भारत द्वारा अंतरिक्ष में मानव मिशन को अंजाम देने की घोषणा के बाद दुनिया भर की नजरें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो पर हैं। पिछले साल एक ही उड़ान में रिकॉर्ड 104 उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण को अंजाम दे चुके इसरो की क्षमता का लोहा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिक भी मानते हैं। नासा से रिटायर्ड हुए वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर कुमार क्रिसे ने कहा कि इसरो के लिए 2022 एक चुनौती होगा, लेकिन उसके पास इस लक्ष्य को हासिल करने की पूरी क्षमता है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसरो को आने वाले वक्त में नासा के साथ काम करने की भी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इसरो अगर नासा के साथ मिलकर काम करता है तो उसे काफी लाभ मिल सकता है। कुमार क्रिसेन ने बताया कि इसरो ने निचली और भू स्थैतिक कक्षाओं के लिए प्रक्षेपण यानों में अपनी काबिलियत साबित की है। पूर्व नासा वैज्ञानिक ने बताया कि भारत अपनी खुद की नौवहन प्रणाली निर्मित कर रहा है और इस उद्देश्य के लिए उसने उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। ये GPS और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों की जगह नहीं ले सकती। हालांकि इन प्रणालियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में भारत के पास GPS रहेगा। प्रोफेसर के मुताबिक इसरो ने संचार और प्रसारण के लिए रीढ़ के रूप में उपग्रह उपलब्ध कराए हैं। GSAT-11 इस साल नवंबर में प्रक्षेपित होने वाला है, जो हाई बैंडविड्थ डेटा ट्रांसमिशन में मदद करेगा। इसरो के उपग्रह चक्रवातों सहित मौसम निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसरो ने री एंट्री मॉड्यूलों और प्रक्षेपण के दौरान किसी हादसे की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकालने से संबंधित प्रणाली का परीक्षण किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।